और हिमाचल की हलचल शांत हुई, चूंकि हिमाचल में राज्य की अगुवाई सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में सौंप दी गई है। कांग्रेस की हिमाचल में जीत के बाद नेतृत्व को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम सियासी हलकों में चल रहे थे। आखिरकार कांग्रेस से चार दशकों से जुड़े सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सहमति बन गई। वहीं मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल राज्य विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नेतृत्व को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के नाम सियासी हलकों में चल रहा था। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री और चंदन कुमार का नाम भी रह रहकर सामने आता रहा। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू यही कहते रहे कि वो सीएम रेस में शामिल नहीं है, लेकिन सियासी हलकों में नामों को लेकर खासा कौतूहल बना रहा। आखिरकार कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर ही सहमति बनी है। वो राज्य के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। 27 मार्च 1964 को जन्मे सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़े थे। वो 7 साल प्रदेश में NSUI के अध्यक्ष पद पर रहे। 1988 से 1995 तक वो इस पद पर रहे। पिछले 40 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वो 3 बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। हिमाचल की सियासत में उनका और वीरभद्र के बीच आपसी संघर्ष रहा है। वीरभद्र की इच्छा के विपरीत वो राज्य में पार्टी के अध्यक्ष भी बने। 2013 में वो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें हिमाचल की सियासत में वीरभद्र सिंह के विरोधी गुट का माना गया। जनता के बीच उनकी पकड़ रही है। इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में हमीरपुर क्षेत्र में BJP का सुपड़ा साफ हुआ है। इसके पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव माना जा रहा है। हमीरपुर की 5 सीट में 4 सीट कांग्रेस को मिली है और 1 निर्दलीय ने जीती है। यह निर्दलीय भी कांग्रेस से जुड़ा है। इस तरह 5 सीट कांग्रेस को मिली है। हमीरपुर जिले की नांदौन तहसील के सेरा गांव में 26 मार्च 1964 को जन्मे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में चालक थे। माता संसार देई गृहिणी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली से LLB तक की पढ़ाई शिमला में हुई है। 4 भाई बहनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 नंबर पर हैं। बड़े भाई राजीव सेना से रिटायर हैं। 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। 11 जून 1998 को सुखविंदर सिंह सुक्खू की शादी कमलेश ठाकुर से हुई, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NSUI से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। संजौली कॉलेज में पहले कक्षा के क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के महासचिव चुने गए। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय संजौली में स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1995 में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। 1998 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। नगर निगम शिमला के 2 बार चुने हुए पार्षद बने। 2003, 2007, 2017 और अब 2022 में नांदौन विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक चुने गए। 2008 में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 8 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी के सदस्य बने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का काफी योगदान रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा हिमाचल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की साख दांव पर लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी इस संसदीय क्षेत्र में करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने ऐसी बिसात बिछाई कि भाजपा इस संसदीय क्षेत्र में चारों खाने चित हो गई। हमीरपुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का संसदीय सीट है और इस क्षेत्र की 5 सीट हारने से उनकी सियासी छवि को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर में 5 सीट में BJP की हार हुई। हालांकि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर में आने वाली 3 सीट में BJP को जीत हासिल हुई। BJP में इस स्तर पर भीतरघात हुआ कि जिस सीट पर प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ा करते थे, वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने केवल 399 वोट से जीत हासिल की है। वहीं भोरंज की सीट BJP ने 60 वोटों से गवाई।
कांग्रेस की जीत की इस व्यूह रचना का श्रेय सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया गया है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी हैं और इस समय राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। वह मंडी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने में उनका भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, लेकिन सांसद होना उनकी ताजपोशी में आड़े आया है। उनके सीएम बनने की स्थिति में कांग्रेस के दो उपचुनाव लड़ने पड़ते, साथ ही कांग्रेस नया नेतृत्व देने के लिए सुखविंदर को आगे लाई है। माना जा रहा है कि राज्य में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण की सीट से चुनकर आए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।